राशि चक्र की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के बारे में बात करें तो ये लोग बिजनेस में होशियार माने जाते हैं, हालांकि इनके पास जो है पैसा जो होता है वो स्थिर होता है। नमस्कार दोस्तों, राशि विशेष वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा राजपूत आप सभी के सामने हाजिर हो लेकर एक नई राशि के बारे में जानकारी। जी हाँ, राशि चक्र की सातवीं राशि तुला। हमने अभी तक आपको जो है मेष से लेकर कन्या तक के बारे में जानकारी दे दी है। इस राशि की यानी तुला राशि की जो आकृति है, जो इमेज होती है, वो तराजू के जैसी होती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के लोग जो हैं पॉलिटिक्स में बहुत माहिर होते हैं। अपना काम कैसे करना है ये बात इनको अच्छे से पता होती है। कई बार ये बिना किसी रीज़न के ही गुस्सा हो जाते हैं। इनके बारे में और भी खास बातें हम आपको आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि बाकी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तुला राशि के बारे में बात करें तो ये लोग बिजनेस में होशियार माने जाते हैं, हालांकि इनके पास जो है पैसा जो होता है वो स्थिर होता है, इनकी पैसा आते रहता है। इस राशि के लोग भोग विलासिता वाला जीवन पसंद करते हैं, बहुत रॉयल लाइफ पसंद करते हैं। इनके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इसके कारण से इनका ऐसा नेचर होता है। इस राशि के लोग बहुत ही मीठा बोलने वाले होते हैं, दूसरों पर दया करने वाले होते हैं, ये बहुत ही विनम्र होते हैं। तुला राशि के जातकों को बुरे व्यवहार से एकदम नफरत सी होती है। ये हमेशा बैलेंस्ड होते हैं और बहुत ही सुंदर और आसानी से कोई भी काम कर लेते हैं और अपने जो है जो भी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में वही बनते हैं। हालांकि इन पे अक्सर जो है आलसी होने का भी आप देखेंगे कि कोई अगर आपके फ्रेंड सर्कल में तुला राशि का है तो लोग उसको कहते होंगे कि वो आलसी है, यानी तुला राशि वालों को आलसी के नाम से जाना जाता है। ये जो है इनकी सबसे बड़ी खामी कह सकते हैं। साथ ही ये बहुत ही लेट लतीफ भी होते हैं, ये बहुत अपने फायदे नुकसान के बारे में भी सोचते रहते हैं। इनके अगर फ्रेंड सर्कल की बात करें तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं इनके काइंड हार्टेड नेचर की वजह से। घर में ये बहुत ही ज़्यादा इनका जो ऑरा होता है बहुत पॉजिटिव होता है, घर वाले इनको इज्जत देते हैं। लेकिन इस राशि के जो लोग हैं ये कह सकते हैं प्रवासी होते हैं, इनको पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सबका भला सोचते हैं, बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं शनि ग्रह की तरह, कोई भी रणनीति बनाने में कुशल होते हैं। कोई इनको बोल दीजिए आप डिसीजन लेने के लिए ये तुरंत बना सकते हैं। हानि लाभ के चक्कर में ये डिसीजन लेने में थोड़ी देर हो जाते हैं, मतलब ये सोचते ज़्यादा है। शुक्र ग्रह के कारण जो है इन लोगों की ग्लैमर या फिल्म या डांस में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये लोग देखने में बहुत आकर्षक होते हैं, खासतौर पे इस राशि की जो लेडीज़ हैं वो। इस राशि के लोग बुद्धिमान और विचारशील होते हैं, दूसरों के साथ संबंध को अपने रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाना इसके बारे में इनको बहुत अच्छे से पता होता है। इस राशि के लोग जो हैं तुला राशि के, ये ज़्यादा बातें करने या भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं करते। इनको शांत जो है शांति पसंद आती है, शांत वातावरण पसंद आता है। तो ये ओवरऑल नेचर कैसा होता है ये हमने आपको बताया। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक की बात कर ले तो होता है 6, शुभ रंग की बात करें तो सफ़ेद और हल्का नीला, और शुभ दिन होता है इनके लिए शुक्रवार। तो हमने जाना इस वीडियो में कि तुला राशि की यानी जो राशि चक्र की सातवीं राशि है उसका स्वभाव कैसा होता है, उनके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, किस चीज़ से वो खुश होते हैं। ये जानकारियाँ बहुत हद तक आपके लिए कारगर होंगी, आपको आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आप किसी राशि के नेचर के बारे में उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं तो जब भी आपको कोई इस राशि का इंसान मिलेगा तो आपको उसके साथ डील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसके नेचर के बारे में पता होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको ज्योतिष की दुनिया से अपडेट करते हैं। हम ज्योतिष के आपको उन पहलुओं से परिचय कराते हैं जिनसे अभी तक आप जो है आपको नहीं पता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी उसके माध्यम से आपको अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसे शेयर करके लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि ये जो है वीडियो है ये इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये सबके लिए हेल्पफुल है, तो उनको भी मदद मिलेगी। तो शेयर भी ज़रूर कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोटॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। हर बार आपको मेहनत करके चैनल पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब जब जो है हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वीडियो। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोटॉक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।